तो यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसपी और पीएसपीएल के गठबंधन के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की कोर कमेटी का यह फैसला अब सामने आया है, तो भविष्य में समाजवादी पार्टी से किसी भी तरह के गठबंधन के रास्ते बंद हो गए हैं, बाकी अलायंस के लिए रास्ते खुले हैं, ऐसा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कहना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, शिवपाल यादव के दल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है और समाजवादी पार्टी के साथ किसी भी तरीके का कोई गठबंधन अब भविष्य में नहीं किया जाएगा, ऐसी प्रतिज्ञा जो है वो शिवपाल यादव के दल के द्वारा की गई है। अब इस पर कितना अटल रहते हैं ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव का अपमान समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया, वक्त वक्त पर वो इसको जाहिर करते रहे हैं, लगातार जब मीडिया से मुखातिब होते हैं तो वो इसको लेकर अपनी आह जो है वो सार्वजनिक जरूर करते हैं। अनिल यादव हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, आपके पास आएंगे, सवाल यही है कि विधानसभा चुनाव में बहुत नजदीक से आपने देखा शिवपाल यादव ने पूरी कोशिश की कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ में उनका अच्छी तरीके से गठबंधन हो, मनमाफिक सीटें मिल जाए, मिलकर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। मात्र एक जसवंत नगर की सीट दे दी गई, वो नाराजगी अब नजर आ रही है। देखिए, शिवपाल यादव के लिए यही कहा जा सकता है कि बहुत बैठे हैं उस राह पे जो तेरी रह गुजर भी नहीं, तो बहुत दिन तक उन्होंने इंतजार किया अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का, कि किसी तरह से गठबंधन हो जाए, कुछ सीटें मिल जाए, विलय हो जाए, समाजवादी पार्टी में वापसी हो जाए। लेकिन हम सबने देखा कि विधानसभा चुनाव में उनके साथ क्या हुआ, 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर रहे थे, एक सीट मिली और उस एक सीट में भी उनको वो इज्जत नहीं मिल पाई, समाजवादी पार्टी उनको अपना विधायक नहीं मानती है। तो इस बात है कि जब उन्होंने देख लिया कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश इसका कुछ नहीं हो सकता, अब उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए। वो कह रहे हैं कि अब वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उनके खुद मैनपुरी से चुनाव लड़ने की बातें आ रही हैं, अगर मुलायम सिंह नहीं लड़े तो जैसे पता है कि पूरी तैयारी से लड़ने जा रहे हैं वो लोकसभा का चुनाव, और उनकी कोशिश यही है कि वो भले ना जीत पाए लेकिन अखिलेश यादव को सबक सिखा दें और अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को डेंट कर दें। इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी से भी गठबंधन कर लेंगे अगर बीजेपी उनको अपने साथ देना चाहेगी। तो निश्चित ये शिवपाल यादव का जीवन का एक ही मकसद रह गया, इसी तरह से भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को सबक सिखाना। ठीक है अनिल, रोकना चाहूंगा आपको। मुख्यमंत्री